So, good morning, student of class 9. 9th class, previous day, we discuss about in chapter number, that is a chapter number 2nd and exercise 2.5. और उसी एक्सरसाइज पे हम कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा था आपको, तो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा था 2.5 में, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. क्या एक्सप्लेन करा था जरा उस पर ध्यान दें. बड़ा क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.5. एंड क्वेश्चन नंबर 12 में भी स्टार्ट किया था, लेकिन थोड़ा सा बीच में छूट गया था, उसी को कंटिन्यू लेते हैं. Question is given, verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 1/2 x plus y plus z in second bracket x minus y square plus y minus z square plus z minus the x square. Okay, so student, first we can take its arches. Arches is given, that is 1/2 x plus y plus z in first bracket x minus y square, y minus z square, and z minus x square. So 1/2 x plus y plus square over here, x square plus y square minus z square, y square z square minus 2yz, z square plus x square minus 2x. और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 plus x plus y plus z, ये हो गया 2x, 2y square, 2z square, minus 2x square, minus 2y square, minus 2 क्या हो गया 7x. Every term से इनको कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, x plus y plus z. ये हमारे पास क्या हो गया, x square y square z minus x y minus y z minus 2 and 2 क्या हो गया. एक पर्टिकुलर बेटा आइडेंटिटीज होती है, इसको बोलते हैं a cube plus b cube plus c cube माइनस थ्री एक्स क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस. तो बेटा इसके अकॉर्डिंग कुछ क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस. सो इन दिस वे स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 वी कैन प्रूव एच इज इक्वल टू लेस देन. So we enter in question number 13. Question number 13. The 13 को discuss करेंगे तो. In question number 13, समझे. In the question number 13, समझे.
13 is given that if x plus y plus z equal to 0, then prove that x cube plus y cube plus z cube equal to क्या होता है 3xyz. Okay, समझे बेटा. See, it is improving. But is such that आपके पास given क्या है x plus y plus z equal to 0. x plus y equal to क्या हो गया minus. Right. Taking Q both ये x plus y whole cube minus z. ये क्या हो गया a plus b cube plus 3xy in bracket क्या हो गया x plus y और ये क्या हो गया minus z. बेटा इसको right hand side में transpose करेंगे तो ये क्या आ गया x cube plus y cube plus z cube और इसको इधर ले आए जेड को लेफ्ट पे लेंगे और 3xy x plus y को राइट पे लेके आएंगे. इससे कंडीशन वेरी फर्स्ट तो ये क्या बन गया माइनस 3xy एंड x plus y फ्रॉम इक्वेशन x cube plus y cube plus z minus 3x और x plus y cube क्या है minus x cube y cube z minus minus क्या हो गया plus ये क्या हो गया 3 in this way we can prove it question number 13. Then instrument of class 9 we discuss the question number 14. See, in question number 14, 14 पे डिस्कस कर लेते हैं. समझ आ गया? समझे बेटा? क्वेश्चन नंबर 14. Here, without actually calculating find the value. But इसमें दो पार्ट है. वन पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा ठीक है और अदर पार्ट आपको सेल्फ करना है. ओके माइनस 12 प्लस 7 प्लस बेटा ये जो कंडीशन है ये किस फॉर्म में है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब से अगर कंप्लीट करेंगे तो एक्स माइनस टू वाई सेवन जेड क्या है मीन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल माइनस प्लस सेवन प्लस वाई वी गेट जीरो. ओवरऑल स्टूडेंट वी कैन राइट डाउन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो. यू नो दैट if x plus y plus z 0 so x cube y cube z cube kya hai yani ki kya hu minus 12 cube plus 7 cube plus 5 kya kya 3 minus 12 into minus 7 into 5 to aapke paas kya hai 12 3 is minus 12 7 5 का या आप ऐसा करें सबका वर्क करें 3 माइनस हो गया 8 और 12 7 5 का माइनस 3 12 5 का 16 12 3 का 36 एंड 6 40 इनटू करेंगे 3 3 2 का 6 3 4 का 12 क्या आ गया माइनस 1 2 16
सेम प्रोसेस यू कैन डू इट्स सेकंड पार्ट दैट इज 28 माइनस 15 माइनस 13 दैट इज 0 इज x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2. ठीक है. सो वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 पे हम डिस्कस कर लेते हैं. Give possible expression for the length and give possible for length and 25 minutes square. 35 बेटा एरिया दैट इज इट इज बेटा एरिया उसमें दो पार्ट एक पार्ट ही में इट इज एन एरिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ मींस इट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ 25 बेस पर 58. यू कैन मेक द मेरिट ऑफ ब्रेकफास्ट 12 इनटू 25 300. प्रोडक्ट 300 आना चाहिए. पॉजिटिव एडिशन 35 तो क्या हो गया 334. मींस हमारे पास क्या हो व्हाट इज द प्राइम फैक्टर दिस एडिशन इज 35 एंड प्रोडक्ट इज 300. प्रोडक्ट इज 300 तो इसके लिए अपन 300 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं. 2 1 2 75 3 25 5 आप कॉमन क्या लेंगे बेटा 5. तो 5 ए माइनस क्या हो गया कॉमन क्या लेंगे इसमें 3 ए 5 ए माइनस तो इन वन ब्रैकेट 5a माइनस एंड सेकंड ब्रैकेट 5a माइनस ये किसके इक्वल है लेंथ को सो लेंथ बेटा क्या हो गई ए एक्सप्रेशन को लेंथ दे सेकंड फैक्टर को यस क्लियर. सो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 यू कैन डू इट्स बेटा इट्स आल्सो इट्स सेकंड पार्ट इट्स सेकंड पार्ट आल्सो कैन ओके देन वी डिस्कस ऑन नेक्स्ट बेटा. इट्स क्वेश्चन नंबर 16. बेटा 16 पे बात करेंगे. 16 पे बात करेंगे अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास भी कह रहा है 5 possible expressions is volume of आपके पास given 3x² minus 5x. तो volume आपके पास होता है length breadth into height that is 3x² minus 5x. We have we need in this question of 3 possible factors. तो बेटा what is common in 3 term 3x common. So x square it is a minus 2. So 3x it is a x square minus 2 square. So it is a 3x. This already is a a square minus b x minus 2 x square. So students, this is equal to length breadth into height. Length kya hai? Breadth kya hai? X minus 2. Aur height kya hai? Ye aapke paas hai. Required expressions. Okay, same process you can do it second part. So student of class 9, in this way chapter number 2 we completed. So we today we can complete it 2 chapters, first and second. Then on next day, on next class, we start new chapter, that is a coordinate geometry. Thank you so much.
जस्ट वन मिनट स्टूडेंट्स. सो लास्ट टाइम यू कैन ऑल्सो डू ऑल इट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.5. इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम सो यू कैन गिव मैसेज इन व्हाट्सएप नंबर. वी कैन सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास. ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इज every Friday or Saturday we start live class in Zoom F for your problems class. Monday to Thursday we can give you only videos, but Friday and Saturday we start your live class. Okay, thank you so much.